क्या भाई कोई सवाल पूछेगा कुछ के? पूछे पूछे। आई विल डिस्क्राइब माई जर्नी एज अ रोलर कोस्टर राइड मेंटली फिजिकली इमोशनली आई हैव डन अ फ्यू रियलिटी शोज बिफोर दिस बट नथिंग लाइक दिस इट्स अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस आई थिंक इट इट ड्रॉज इट टेक्स अ हैवी टोल ऑन यू अगेन मेंटली फिजिकली इमोशनली एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क इट्स नॉट फॉर द लाइट हार्टेड इट्स नॉट फॉर द क्या होता है फेस वॉट हार्टेड फेंट हार्टेड इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड आई हैव सर्वाइव्ड एंड आई थिंक आई हैव कम आउट स्ट्रॉन्गर आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो आपका सना और आपके बीच झगड़ा हमें हमेशा देखने के लिए मिला है और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सीनियर अपने जूनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है और एक जूनियर अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है उसका उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है अगर जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे जवाब देगा रणवीर सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या इस तरह से बात करना आपके लिए और उनके लिए सही था जो हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था मेरे लिए बिल्कुल सही था नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर डन यू हैव डन थ्री क्वेश्चन चलो नेक्स्ट एनीवन कोई क्वेश्चन है कि उठूं रणवीर सर जैसे रणवीर सर आगे के क्या प्लान है आपकी कुछ आप बताना चाहेंगे क्या आगे क्या करना चाहेंगे कोई खिलाड़ी आप बनना चाहेंगे दोस्त आपकी उम्र शायद बहुत कम है मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूं रोहित सर का पहला सीज़न था मेरा कोई कोर एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है काम नहीं होता तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूं एक्सपीरियंस के लिए अब ये ख़त्म हुआ है 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में फिल्म्स में सीरीज़ में जिसके पास मैं वापस जाऊंगा और अपनी फैमिली के पास अपने दोस्तों के पास वापस जाऊंगा क्या सर सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूंगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूं हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग सर बिग बॉस एक रियलिटी गेम है पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया क्योंकि जैसे जिस तरह से लोकेश अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों की वजह से बाहर गए ना कि वोटों के दौरान काफ़ी लोगों का कहना है ये अनफेयर है इस पर आपका क्या बिल्कुल अनफेयर नहीं है आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो मैं था अरमान था और भी लोग थे सर प्रेस कॉन्फ्रेंस को विनर बनाते तो अच्छा मैसेज था यार उस मतलब मैसेज का क्या जो जीत जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप तीन लोग बैठकर ब्लेम कर रहे थे ये यहाँ पर आप कितना कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वो कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर तीन कंसेंटिंग अडल्ट किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे एटलीस्ट मैं हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूं बट इतना लिबरल तो मैं भी हूं कि अगर तीन कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं मैं नहीं समझता हूं उसमें किसी को आपत्ति कोई नहीं यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो बीच वालों के कोई सवाल है कि नहीं लेकिन सर आप कह रहे हैं कि तीन का कंसर्न है लेकिन हमारा देश का कानून अलाउ नहीं करता है कि आप तो वो आप वो एक काम करिए ना आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है सर बिग बॉस 18 में अगर आपको मौका मिले तो आप आएंगे सर मैंने सुना नहीं बिग बॉस 18 में बिग बॉस में मैंने एक बार कर लिया बस मेरे लिए बहुत भाई भाई प्लीज मैडम का पांचवा सवाल है ध्यान से सुनो क्या प्रॉब्लम आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो सर मैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार बार चलिए पूछिए सर आपको कोई और दे नहीं क्या करेंगे ये सवाल है कि आपने काम को लेकर ज़्यादा यहाँ पर ये ना बात की कि काम नहीं है या काम नहीं मिल रहा है काम नहीं मिल रहा नहीं मैंने कहा मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे
तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैलेंडर में जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास, और मेरा बेटा आउट ऑफ द कंट्री छुट्टियों पे जा रहा था, तो जो आउट ऑफ टच रहना पड़ता है फैमिली के साथ, इस वक्त मैं वो कर सकता था, तो इसीलिए मैंने ये पकड़ा। भाई साहब उनका खत्म होने दीजिए। सर आपका बैग जो भी रिलीज हुआ है शेखर होम बॉडी, अभी रिलीज नहीं हुआ है, मुझे अभी पता लगा है कि वो रिलीज अभी पता लगा है यहाँ आने से पहले। मैं 42 डेज कैप्टिविटी में रहा हूँ, फैमिली फ्रेंड्स और दुनिया से कटा हुआ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट मुझे खुशी है कि मेरे बाहर आते ही मेरा जो काम रिलीज़ नहीं हो रहा था वो रिलीज़ होने वाला है, एंड आई होप आप सब इसी इंथूजियाज़म से उसके लिए भी मुझे मिलेंगे। बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा बॉलीवुड दुनिया में ही है ना, क्या कहीं और है? यार मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी, दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं। लिबरल्स की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ, बहुत अर्बन एरियाज में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक हैं तो आप लोग कौन सी ऐसी चीज है जो बिग बॉस से आप एक बिग बॉस से कोई ऐसी चीज सीख के जा रहे हैं लाइफ में, सीख के जा रहे हैं बिग बॉस गेम शो? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सीख के जा रहा हूँ बिग बॉस हाउस से वो है पेशेंस।